मिस्टर अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू इंडिया, टू पीएम मोदी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो आई कि हम तमाम नेबरिंग कंट्रीज से बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और इसी के अलावा अभी की अभी जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जिसमें कहा गया है कि जो ये एक खबर आई थी कि एक जो G20 है उसको, कॉन्फ्रेंस को, समिट, वो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। देखिए, इस वक्त एशिया के अंदर जो आर्म्स रेस है वो बड़ी तेजी से सामने आ रही है, और ये पता चल रहा है कि जो चाइनीज हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो डिफेंस पे खर्चा इस वक्त कर रहे हैं। चाइना तकरीबन जो है वो 207 अरब डॉलर जो है वो अपनी आर्म फोर्सेस पे लगा रहा है 2021 में। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेन शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होते रह रहा है, तो यही इस वीडियो में सब दिखाया गया है क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान में। अगर अच्छे लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरह मैंने ये सब कुछ आपके सामने रखा, तो क्योंकि अभी एक नई डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि हमने पहले ये खबर सुनी कि इंडिया में अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस की कुछ मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी कश्मीर के इलाके में। अच्छा, अब इस पे अभी तक कोई वाजे यानी ये कि डिटेल्स आज सच नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर आ रही है। इसके ऊपर हमारे फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये जो एक कहा गया है, उन्होंने बताया सारा कि किस तरीके से हमारी करारदादे और यूएन की करारदादे मौजूद हैं, हम क्या समझते हैं उसके बारे में, तो जो दुनिया है वो इसको देखे और वहां पर ये नहीं होना चाहिए। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक तो हम बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर यूएई ने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। फिर इसके अलावा जब हमारी OIC हो रही थी तो हमने देखा कि वहां पर यूएई का डेलीगेशन उस वक्त मौजूद था। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तो बात नहीं सुनी गई, तो फिर ये कहने से कुछ फायदा होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलिया, देखिए, ये सफारतकारी, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अगर आपकी सफारतकारी कमज़ोर है, आप सही मानों में अपनी जान उसमें नहीं लगा रहे, अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे, तो फिर बहुत से इश्यूज हैं जिन पे आप कमज़ोर हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर के तनाज़े की बात है, हमने देखा है कि पिछले तकरीबन आप कह लीजिए 15-16 सालों से जो हमारी हिकमत अमली रही है या हमारा सफारतकारी रही है, उसमें बतदरीज कमज़ोरी आई है। और मैं आपको कई वाक़यात बता भी सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसका वक्त नहीं है, लेकिन यही है कि हमने कश्मीर, जो हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी, बल्कि टू द कॉन्ट्ररी हमने उसको कमज़ोर किया। और आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम लेकर आज अगर वो G20 समिट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाजह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। और ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर तीन तो OIC के ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है, और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कांटेक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़े, मैं समझता हूँ कि दुख की बात है कि ये ममालिक, ख़ास तौर पे ये तीन ममालिक उस समिट में जाएं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। और ये भी बात भी है कि सिर्फ ये तीन ममालिक, हमें तो अब ये है कि थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स को इंटेंसीफाई करना है। सिर्फ अगर, जिसने आपने बिल्कुल समझा फरमाया कि अगर खाली खुली बयान से काम चल जाता तो आज तक मकबूसा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हो हुआ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सारा जोर जो है वो तकारीर पे है, प्रेस रिलीज पे है, स्टेटमेंट्स पे है। और दुनिया में मेरी, अगर आप सही ऑनेस्ट राय पूछें, तो कश्मीर के मामले में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, इसलिए लोग हमें कश्मीर में भी अब सीरियसली नहीं लेते। ठीक। सर, ये जो आपने बात की टर्की की, तो टर्की को तो हमने ये देखा कि जमाल खशोगी पे बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया गया। तैयब उर्दवान साहब ने तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट जारी की थी कि वो तो तहस नहस कर देंगे सऊदी अरेबिया और MBS को, और हमने देखा कि वो खुद भी पहुंचे और अभी MBS उनसे बड़े गले भी मिल रहे, उनके उनके अपने कंट्री में जाकर हाथ मिलाए।
तो ये तो वो लगता है ना कागजी शेर जिसको हम कहते हैं, मतलब इस तरह की बड़े बड़े बयानात नहीं देने चाहिए। तो यही मामला आप समझते हैं कि ऐसे लीडर्स इस मामले पर कोई स्टैंड लेंगे? मेरा देखिए स्टैंड क्या लेना है, देखिए इसके पहले एक बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल में। स्टांस तो हमने ले लिया, चलें आज फॉरेन ऑफिस ने एक जो रिवायती प्रेस रिलीज होता है वो इशू कर दिया, हम सब लोग अगर इसी पे इत्तेफाक कर लेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस मकबूजा या डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इस किस्म की समिट ना हो या उसकी मीटिंग्स ना हो, तो फिर हमें बकायदा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि किस तरह हम पूरी जो जो G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, किस तरह हम इनको अप्रोच करें, क्या हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, फिर उसके अलावा क्या कंक्रीट स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए विज़ावी कश्मीर को वो खुद अहमियत नहीं दी जो ये तनाज़ा उसका मुतकाजी है। अगर हम खुद उसको अहमियत नहीं देंगे और हम एक किस्म की कैजुअल अप्रोच लेंगे तो फिर दुनिया भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। जहाँ तक टर्की और सऊदी अरब का ताल्लुक है, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जमात खशोगी के चक्कर में उनके ताल्लुकात में बड़े स्ट्रेंस थे, स्ट्रेसेस थे, लेकिन अब उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे, रूस और यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उससे बड़ी तब्दीलियाँ आई, फिर इस वक्त और भी बहुत से मसाइल हैं और टर्की की इकॉनमी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही, तो इस वजह से ये सारे इश्यूज़ हैं और यकीनी एतबार से ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अब हमने फैसला ये करना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आया हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम जम्मू और कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दें, पस कर दें, हमारा इंटरेस्ट के साथ इसको दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करें और भारत पे प्रेशर बिल्ड करें। अब ये दो दोस्त एक हैं अप्रोचेस, अब किस अप्रोच पे हमने काम करना है ये अब डिसीजन मेकर्स का, उनके पास इसका जवाब होना चाहिए। ठीक, अच्छा सर इस मौजूद पर मेरा आखिरी सवाल होगा, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जब ये बात की जाती है, जिस तरह अभी क्या हमारे फॉरेन ऑफिस को यहाँ हमें ये नहीं मालूम कि कितनी बड़ी तिजारत इन कंट्रीज की जो वहां पर आ रहे हैं या जिनसे हम कह रहे हैं, उन सब की कितनी बड़ी ट्रेड इंडिया से होती है, क्या वो अपने बेनिफिट्स, हमारी तो आदत है कि हम अपने सियासी जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनको सामने रखते हुए, या हमने इलेक्शन में वोट लेना है तो उस बिना पर हम इंडिया का नारा लगा के हम कहते हैं कि नहीं हमने ट्रेड नहीं करनी, लेकिन जो दुनिया है वो तो इस तरह नहीं देखती, उनको पीछे रख के क्या इसके ऊपर वो आप समझते हैं कि कुछ कहेंगे? देखिए ये बात तो मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये तो बात की बात है ना कि दुनिया किस तरह आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मेरा जो नुक्ता एतराज है वो ये है कि हमने सही मानों में कोशिश ही नहीं की। आप तो अभी हम खुद ट्रेड के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं भारत के साथ, कभी एक बयान आ जाता है कभी दूसरा बयान आ जाता है, तो अगर हम खुद भारत के साथ ट्रेड की ख्वाहिश रखते हैं, और ये हम मिनिस्टर से सुन रहे हैं बल्कि हमारे वजीर खारजा ने भी कहा कि हमें इंगेजमेंट करनी चाहिए भारत के साथ, तो फिर हम दूसरे ममालिक से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारी खातिर, जबकि हम खुद ट्रेड कर रहे हैं और दूसरों से ये तवक्को रखें कि वो ट्रेड ना करें, ये तो सफारतकारी में ऐसा नहीं होता माजरत के साथ। ठीक, अच्छा सर अब जरा आते हैं हम अभी ये जो अभी आपने बात की कि जिस तरह की हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी कुछ ऐसा दिखने को मिला जिसमें कहा गया कि भी ताल्लुकात अच्छे और आगे बढ़ाने चाहिए, इसी तरीके से हमने देखा कि मिस्टर अजीत दोवल की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो पीसफुल अपने रखना चाहते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर ऐसी बात